जिंदगी चुभने लगी कांटों की तरह यार मुझे, जिंदगी चुभने लगी कांटों की तरह यार मुझे, हर पल तेरे इंतजार का सदियों की तरह गुजरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग क्षेत्रफल वाले टॉपिक में आयत और वर्ग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे की लंबाई 4 मीटर है, यदि इस कमरे को 2 बराबर वर्गाकार कमरों में बांटा जा सकता है तो नए कमरों में प्रत्येक कमरे की लंबाई होगी। तो ये तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई कितना दिया है? 4 मीटर। अब ये कह रहे इसको 2 वर्गाकार कमरों में यदि बांटा जा सके तो प्रत्येक कमरे की लंबाई क्या होगी? तो 20 से बांट देते हैं तो ये 2 लंबाई रह जाएगी। इसका मतलब चौड़ाई अपने आप पता चल गया कि 2 रही होगी, तो 2 मीटर ही इसका आंसर होगा, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। एक आयताकार कमरा था जिसकी लंबाई 4 मीटर थी, इसको 2 वर्गाकार कमरों में बांटना है तो ये तब संभव है जब बीच से दीवार उठा दिया जाए, 100 फीट बीच से दीवार उठा जाए तो 2 मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर ये हो जाएगा। इसका मतलब चौड़ाई कितना है, अपने आप पता चल गया कि ये 2 मीटर ही होगी। तो चौड़ाई नहीं पूछा है, लंबाई पूछा है, तो लंबाई 2 मीटर आपका हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे एक वर्ग दिया है और एक आयत दिया है, तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा क्या है, यक्ष है। अब वो कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो यक्ष प्लस 5 कर दीजिए, और कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है तो चौड़ाई को यक्ष माइनस 3 कर दीजिए। और आपके पास जानकारी जो दिया है क्षेत्रफल बराबर है इन दोनों का। अरे फिगर में मत जाइए, ये और बड़ा रहेगा। क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल कर लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एक्स प्लस 5 गुणे एक्स माइनस 3। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 15। यहां एक्स स्क्वायर ही है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ये बचा 2x इधर आएगा माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो 2x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/2। 15/2 लिख सकते हैं 7.5। अब लंबाई हो जाएगा x प्लस 5 दिया है तो 7.5 प्लस 5, 7.5 12.5 लंबाई हो गया, और चौड़ाई भी बराबर है x माइनस 3, x है 7.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 4.5। यस, अब परिमाप पूछ रहा है, देखिए आयत का परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई आपका है 12.5 और चौड़ाई है 4.5। यस, 12×4=17, 34 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, और इस क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग, तो वर्ग की हम मान लेते हैं क्या है, साइड यक्स है, बस इतना ही करना है, तो यक्स हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, इसका मतलब अगर एक्स पता चल जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कह रहा क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल कर लो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो 12 गुणे 5 हो गया बराबर वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 60। तो विकर्ण के लिए 2x स्क्वायर चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, 2x स्क्वायर बराबर 60 दूनी 120, इसी का वर्गमूल निकाल लेना है केवल बस, 120 का वर्गमूल। तो 120 को 4 गुणे 30 हम लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 2 अंडर रूट 30 मीटर, अब कुछ निकलने वाला नहीं है, तो इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बहुत आसान था, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिया है, तो मान लेते हैं वर्ग की साइड कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा सभी, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का वर्गमूल वही विकर्ण रहा होगा, यही है विकर्ण। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखा जाए, किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो किसी वर्ग का परिमाप वही है, तो वर्ग की साइड हम क्या मान लें, एक्स मान लें, और एक आयत है हमारे पास जिसकी लंबाई दिया है 48 मीटर और उसकी लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, तो जाहिर है कि चौड़ाई की तिगुनी है, तो चौड़ाई इसका 3 से भाग देने पर आएगा तो 16 मीटर आ जाएगा, 48 बटे 3 करेंगे कितना आएगा 16। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी हो गई। अब कह रहा परिमाप बराबर, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ ही तो होता है, परिमाप बराबर कह रहा है तो कर लीजिए, वर्ग का परिमाप होता है 4x सभी भुजाओं का जोड़ और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 16, तो 4x बराबर हो जाएगा 2, 48 16 हो जाएगा 6 14 के 4 हाथ ले 5 6 64, ये हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, दूसरे और सरल करेंगे तो x बराबर आएगा 32। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 32 गुणे 32, देखिए कितना आता है, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 4 6 12 2 यहां से ले 10, 1024 मीटर स्क्वायर, इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो काफी आसान होता है, बशर्ते आपको कंसेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, बस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्ग टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। मतलब एक आयत है आपके पास, तो लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 1500 मीटर 1517 हो जाएगी लंबाई 1517 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर 900 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो जाएगा। यस, अब ये कह रहा है कि इस क्षेत्रफल में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है, तो टाइल्स का कोई ना कोई तो शेप होगा जो पूरे क्षेत्रफल पर कवर कर जाए, और टाइल्स का शेप जो है वर्गाकार ही होना चाहिए, टाइल्स का जो वर्गाकार शेप है उसकी भुजा की साइड भी नहीं दिया है, तो ऐसे केस में लंबाई और चौड़ाई दिया है तो यहां से आपको मासा निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। जो मासा निकालेंगे तो मासा दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, तो जो कॉमन साइड मिल जाएगा वही वर्ग की भुजा हो जाएगी। ध्यान, तो पूरे क्षेत्रफल में एक वर्ग के क्षेत्रफल से जब हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा न्यूनतम कितनी टाइल्स लगी।
चलिए शुरू करते हैं। तो एल इक्वल टू दिया है 1517 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू दिया है 902 सेंटीमीटर। मासा चाहिए, मासा मतलब दोनों में जो कॉमन है तो अलग से उसका फैक्टर करो। चलो 902 का करते हैं, तो जाहिर है दो से कटेगा ही, दो चौकार दो पच्चे दस, दो एक के दो, अब तो आगे कटे नहीं, अब ये 11 से कटेगी, 11 चौक 44, 11 के 11, मतलब मैं 902 के लिख सकता हूं, 2 × 11 × 41 में कर सकता हूं। अब 1517 ये बड़ी गिनती है, तो 1517 इसका फैक्टर करना है, तो ये तो ना 2 से कटने वाला है ना तो 11 से कटने वाला है, तो मजबूरन ये 41 से ही कटेगा। ध्यान दें ये बहुत कठिन गिनती है, तो ये चलाकी करना था, छोटे वाले का फैक्टर करो, फिर जो उसमें उसमें से देखो किसमें से कट सकता है, तो 41 से कटेगा। तो 37 आएगा, ये 1517 का जब फैक्टर करोगे 41 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 37, तो 37 मिलेगा, इसका जो फैक्टर हो रहा है 41 और 37 मिल रहा है। तो ये वर्ग की भुजा देखो यही हो गई, यही दोनों में क्या है कॉमन है, तो वर्ग की भुजा हो गई, यस। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या 41 × 41। अब टाइल्स का संख्या, तो टाइल्स की संख्या के लिए पूरा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल एल गुणे बी अपान वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 41 × 41। तो लंबाई दिया है 1517, 1517 को फैक्टर में लिखो 41 × 37, और चौड़ाई दिया है कितना 902 की लिखो 2 × 11 × 41 बटे एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 41 × 41। पूरे क्षेत्रफल में एक वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो उसमें कितने टाइल्स लगे ये आपको पता चल जाएगा। अब इसका फैक्टर से ये फायदा है कि ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 11 × 2 से 37 में गुणा करो, 2 × 7 = 14 + 4 हासिल देते हैं 6 × 7 = 74 आया। अब इसका 11 से गुणा करना है, देखो 7 × 4 दूर दूर लिख लो और फिर 7 × 4 = 11 कि एक हासिल एक जाएगा तो ये 7 एक क्या हो जाएगा 8, यस 814 आ रहा है। इस आधार पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये सवाल दोबारा समझ लिया जाए कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमको पता है और उसमें वर्गाकार कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है ये वो कह रहा है। जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी साइड का पता नहीं है, उसकी भुजा का पता नहीं है, अब कोई न कोई तो साइज बनेगा जिससे क्या हो जाए पूरे क्षेत्रफल पे कवर हो जाए, उस टाइलों की संख्या आपको चाहिए। तो इसका एक ही रास्ता बचता है, इतने और इतने का मासा ले लिया जाए, तो मासा आया कितना 41 आया, मासा 41 आया, तो बर का साइड कितना हो गया, बर का एक साइड हो गया 41, यस। बर का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। अब पूरे क्षेत्रफल में एक वर्ग के क्षेत्रफल से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें टाइल्सों की संख्या पता चल जाएगी, वो 814 आया। तो इतने क्षेत्रफल में 814 टाइल्स लगेंगे और प्रत्येक टाइल्स का जो साइड होगा वो 41 सेंटीमीटर होगा, यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।